हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन द गुरुकुल। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई करना है। जब आपके पास स्कोर कार्ड आ चुका था तो आपने उसे अप्लाई कर दिया होगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और जितने भी आपके कमेंट्स देखे, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया है और आगे उनकी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि आगे उन्हें करना क्या है कि जब उनके वहाँ से, या बहुत बच्चों की कॉल आ भी चुकी है इंटरव्यू के लिए, और जिसकी नहीं आई है तो वो जल्दी आने वाली है। तो मैं आपको ये बताऊंगी इस वीडियो में कि किस तरह से आपको इंटरव्यू अपनी फेस करनी है, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं और क्या क्या आपसे वहाँ पे करवाया जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताऊंगी, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिससे जिसमें आपको ये बताऊंगी मैंने दो जगह ये इंटरव्यू दिया था आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो मेरे साथ वहाँ क्या हुआ था और क्या पूछा गया था, क्या क्या करवाया गया था, वो भी शेयर करूंगी। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में कि वहाँ पर जो देखेंगे कहाँ कहाँ की वैकेंसी आई है। मैं आपको ये भी बता दूंगी बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल में ऑलरेडी आ चुकी है वैकेंसी, और आपके जो एरिया वाइज है आप उसके वेबसाइट पे प्रॉपर क्लिक करते रहे और चेक करते रहे, क्योंकि जहाँ पर्टिकुलर आप जॉब करना चाहते हैं जिस भी आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ की वेबसाइट को आप चेक करते रहे, क्योंकि ये टाइम है जहाँ सब जगह वैकेंसीज आनी शुरू हो गई है। तो चलिए मैं पहले बता दूं आपको कि जो यहाँ पर जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो आप देखेंगे जो इंटरव्यू होने वाला है, तो सबसे पहले बता दूं आपका जो ड्रेसिंग सेंस और ये सब कैसा होना चाहिए वो भी आपको बता दूंगी। तो आपने जो अब अप्लाई कर दिया है तो 15 डेज के अंदर आपको वहां से जो रिवर्ट आएगा, जो बैक आएगा, वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे थ्रू मेल या फिर थ्रू बाई पोस्ट। दो तरह से आ सकता है या फिर दोनों ही तरीके से आ सकता है। अगर मेरे केस में मैं बात करूं तो मुझे दोनों ही तरीके से आया था, बाई पोस्ट मुझे लेटर भी आया था और मुझे मेल भी आया था कि जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि किस तरह का मेल आता है। तो आपने वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो वहां जाके देख लीजिए किस तरह से ये मेल आता है और बाई पोस्ट लेटर आता है। तो आगे अब ये लेटर आने के बाद उस लेटर में आपका वेन्यू लिखा होता है कि कहाँ पर आपकी इंटरव्यू होनी है और कहाँ कितने डेट तारीख को होनी है, कितने टाइम बजे होनी है, सब कुछ लिखा होता है डिटेल। तो आपको उतने बजे वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। तो प्रेजेंट करने के पहले कुछ प्रिपरेशन जो आपके साइड से आपको करनी चाहिए वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो आप जानते हैं कि जो आनंद पब्लिक स्कूल जहाँ पर आप जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जो है हिस्ट्री उसकी जान लें कि ये क्या चीज़ है, आर्मी पब्लिक स्कूल क्या होता है, कि ऐसा ना हो कि आप जब वहाँ जाएं तो बिल्कुल नए से खड़े हो जाएं कि आपको कुछ भी पता नहीं है कि ये क्या, कौन सी संस्था है, क्या है। तो आपको थोड़ा सा इस संस्था के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इससे क्या होता है उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, वो सोचते हैं, उनको पता होता है कि आपको उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ पता है, कुछ नॉलेज है। आगे बताऊंगी मैं कि अब यहाँ पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल पूछने से पहले इंटरव्यू की बारी बाद में आती है। इंटरव्यू के पहले आपको सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। कंप्यूटर टेस्ट में आपको ये एक कंप्यूटर लैब, जो जिस भी स्कूल में आपका इंटरव्यू होगा वहाँ की जो कंप्यूटर लैब होगी वहाँ पर आपको ले जाया जाएगा, और वहाँ पर जितने भी इंटरव्यूअर हैं उन सबको एक एक कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है और उन्हें एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में ये रहता है कि अगर मैं अपने क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो मुझे दिया गया था, उसमें तीन क्वेश्चन थे। पहला था एमएस वर्ड का था कि एक लेटर दिया गया था जिसे टाइप करना था, टाइप करके आपको एमएस वर्ड में सेव करना है। और सेकंड वाला जो है, सेकंड में था एक एमएस एक्सेल का वर्क था जिसमें कि क्वेश्चन पेपर था मैथमेटिक्स का, जिसमें कि आपको एज इट इज उसे टाइप करनी होती है। तो एज इट इज टाइप करनी थी जिसमें यूज करना था एमएस एक्सेल का, और इन सारी चीजों का यूज करते हुए उसको टाइप करना था। आगे एक वहां पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी थी, यानी पीपीटी एक बनाना था जिसका पीपीटी का यूज करते हुए, वहाँ पीपीटी बनाना था और जिसमें कुछ इफेक्ट दिए हुए थे कि इस सारे इफेक्ट का यूज करते हुए आपको बनाना है। तो ये था कंप्यूटर का टेस्ट। अब ये हो जाने के बाद आपकी बारी आएगी, यहाँ जब आप कर लेंगे, यहाँ से करने के बाद आपको ले जाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, जो बॉयज़ हैं जो गर्ल्स हैं, तो आप बिल्कुल फॉर्मल वियर में जाएं। लड़के हैं तो वो शर्ट और पैंट पहन सकते हैं, लाइट क्रीम कलर की शर्ट या लाइट पिंक लाइट ब्लू कलर की शर्ट, मतलब कोई भी लाइट कलर की शर्ट और उसके साथ डार्क कलर का एक पैंट पहन सकते हैं। फॉर्मल पैंट पहने, जितना हो सके जीन्स को अवॉइड करें। लड़कियां जितना हो सके साड़ी को प्रिफर करें। अगर आपको साड़ी में अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप ऐसे में सलवार कमीज पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं। और लड़कों के लिए इतनी जरूरी नहीं, अगर आपके पास सूट है तो पहन ले, नहीं तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप सूट खरीद करके सूट पहन के जाएं, ये भी
जरूरी नहीं है, आप शर्ट और पैंट पहन के जा सकते हैं। अगर आपके पास टाई है तो आप एक टाई पहन लें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसके बिना भी जाएं और बिल्कुल सादगी से जाएं। अगर शूज की बात करूंगी तो लड़कियां ब्लैक शूज सिंपल पहने, ज्यादा हील ना पहने, और कोई ऐसे लड़की गर्ल्स को मैं स्पेशली बोलूंगी कुछ ऐसा ड्रेस ना पहने जो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब जिससे आपके अंदर का शरीर दिखता हो, ऐसा कुछ भी चीजें ना पहने। डार्क कलर के कपड़े पहने जिसमें कि बिल्कुल सादगी हो, और आप चूंकि शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपका जो ड्रेस है ना बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि जो उन पर इम्पैक्ट पड़ता है ड्रेस का। और बॉयज जो होते हैं, बॉयज को बोलूंगी कि अगर आपके पास टाई है तो पहन ले, नहीं तो कोई उसकी जरूरत नहीं है। और शूज में आप ब्लैक या ब्राउन कलर की लेदर शूज को ही पहने, कोई स्पोर्ट्स शूज वगैरह पहनकर आप ना जाए इंटरव्यू के लिए। तो ये तो हो गई ड्रेस की बात, आगे चलती हूँ। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पहला जनरली सवाल जो होता है कि वो पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए आप। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यूजुअली इंग्लिश में ही पूछते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपको थोड़ी तो इंग्लिश में प्रिपेयर कर लेनी है। आप एटलीस्ट अपना जो पहला क्वेश्चन जो वो पूछेंगे कि अपने बारे में टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना है कि जो अपने क्वालिफिकेशन है उन सब का एक छोटा सा एक आपको समरी दे देना है कि जो आपने जो जो आपकी आपके अंदर क्वालिफिकेशन जो आपने करी हुई है उसका एक छोटा सा समरी दे दें। और जिसमें आपने यहाँ पे आपको ये भी दिखाना है कि किस तरह से आप, बहुत दिखाना नहीं है कि बहुत कठिन ज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं। यहाँ पर आप कुछ अपने वर्क किया है पहले तो वर्क एक्सपीरियंस भी अपने शेयर कर सकते हैं। अब सेकंड है कि आपको बताएंगे कि आप इस इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या जानते हैं, ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। तो ये सब के लिए आपको थोड़ा सा उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन है क्या। और अब अगर उन कभी कभी क्लासरूम सिचुएशन दे सकते हैं कि अगर आपके क्लासरूम में ऐसा सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे, तो इस तरह कुछ एक दो सिचुएशन होता है जो आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो उसके बाद ये सब करने के बाद दो तीन सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, सब कुछ बहुत बड़ा नहीं रहता है, तो ज्यादा पैनिक ना हो और बिल्कुल पोलाइटली आंसर करें जो भी आपने जो भी क्वेश्चन पूछा गया। सपोज आपको नहीं आता है तो आप ना कह दें कि मुझे ये चीज नहीं पता है। अगर कुछ ना उन्होंने कुछ मान लो सब्जेक्ट से पूछ दिया और आपको अगर उसकी उसका आंसर नहीं पता है तो आप बड़े प्यार से बड़े पोलाइटनेस के साथ आप कह दें कि आपको इसकी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको मौका मिला तो आप जरूर इसके बारे में जानना चाहेंगे। आगे ये सब होने के बाद फिर आपका टीचिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसके लिए आपको कहा जाएगा कि जाके आप कोई भी टॉपिक अपनी चॉइस से पढ़ा दें। तो मेरे टाइम में मुझे कहा गया था अपनी अपनी चॉइस से कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए, और हो सकता है मे बी अगर वहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा हैं और ज़्यादा कैंडिडेट आ गए हैं तो आपको हो सकता है टॉपिक वो दे दें, बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि वो यही कह देते हैं आप अपनी पसंद से कोई टॉपिक पढ़ा दें। आपका जो सब्जेक्ट है तो पीआरटी वाले तो कोई भी टॉपिक चुन सकते हैं, और टीजीटी वाले हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ाएंगे। तो आप जो सब्जेक्ट है, अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं तो लैंग्वेज टीचर को मैं बोलूंगी एक पोएम अच्छे से रेडी कर लें, और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इंग्लिश यूज करने का। आप थोड़ी बहुत हिंदी मिक्स कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश यूज करने का, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर जो है ना केवी में तो हिंदी चल जाता है ज्यादा, लेकिन यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल में थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आपका थोड़ा इंग्लिश देखा जाता है कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं कि नहीं और इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो बहुत बच्चे इंग्लिश हिंदी में कन्फ्यूज होते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी में भी बोल दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में रिप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कुछ चीजें आप इंग्लिश में ही रखें वहां पर। आगे अब बात कर लूँ मैं यहाँ पर कुछ आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज आई हुई है। मैं अभी यहाँ पर जो वेबसाइट है, यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ है, यहाँ की वैकेंसी आई हुई है, तो आप चाहे तो यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ है, यहाँ की वैकेंसी है। मैं दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है कैसे। यहाँ की जो फॉर्म है आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। देखिए मैं दिखा दूँ यहाँ पे इसकी फॉर्म। इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल आगरा की भी वैकेंसी आई हुई है, और कई सारे आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आई हुई है, मैंने अभी अभी देखा। तो मैं आपको कम्युनिटी में भी एक बार डाल दूंगी कहाँ कहाँ की वैकेंसी आती है। अगर मैं पर्टिकुलर उस पर वीडियो नहीं बना पाई तो मैं उसके बारे में कम्युनिटी पे डालती रहूंगी कि जिससे आपको पता लगते रहे कहाँ कहाँ की वैकेंसी आ रही है। तो ये सारी बातें थी आपके आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए, और मैं बोलूंगी कि जब आप एंटर करें तो एक और बात जो मैं भूल गई कहना, तो आप सबको विश जरूर करें और निकलते समय थैंक यू जरूर बोलें। जब आपको जाने के लिए कहा जाए तभी आप जाए,
अपने मन से बाहर नहीं निकल जाएं, जब तक आपको जाने के लिए ना कहा जाए आप वहीं रहें, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू जो होगा मैक्सिमम 15 मिनट्स का हो सकता है, और मैक्सिमम जो कि ऐसा होगा नहीं बट मैक्सिमम अगर होगा तो 30 मिनट्स जा सकता है, बट मिनिमम जो होता है 15 मिनट्स का तो होता ही है, क्योंकि ये जो है आपकी पहले पहले आपके सवाल पूछे जाते हैं कुछ, फिर आपको जो है वहाँ पर कुछ टीचिंग प्रैक्टिस कराया जाता है, ये सब करते करते 15 मिनट्स का हो ही जाता है। तो यहाँ पर 15 मिनट्स की इंटरव्यू में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको क्या करना है बिल्कुल शांति से रहना है, जब तक आपको जाने के लिए ना कहा जाए आप रूम से बाहर ना जाएं, और आप जब अंदर जाएं तो जाते जाते के साथ ही मैं एक कमिन जरूर पूछिए, और जाने के बाद आपको सबको विश करना है। अब अगर आफ्टरनून में हो रहा है तो गुड आफ्टरनून बोलना है, या सुबह हो रहा है तो गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले अगर वहाँ पे जो इंटरव्यू में होता है ना इस तरह से कुछ यू शेप का एक टेबल होता है, यू शेप के टेबल पे लोग बैठे होते हैं और करीबन 5 से 6 लोग होते हैं इंटरव्यू के टाइम में, जिसमें कि कुछ ब्रिगेडियर वगैरह होते हैं यहाँ पर, जो इंटरव्यू जो होती है ना वो 2-3 ब्रिगेडियर होते हैं। तो आपको क्या करना है, तो जितनी अगर लेडीज बैठी है वहाँ पे तो लेडीज जो होती है पहले आपको लेडीज को विश करना है, फिर आपको जेंट्स को विश करना है, और उसके बाद जब तक आपको बैठने ना कहा जाए तब तक आप नहीं बैठे। और जो यहाँ पर जो 6 लोग होते हैं उसमें से एक एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, 1-2 ब्रिगेडियर होते हैं, और 2-3 जो होते हैं उस रीजन के प्रिंसिपल होते हैं, जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल इस रीजन के हैं उन सारे स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये रहा आपका पब्लिक स्कूल का इंटरव्यू, और आई होप अभी बहुत सारी वैकेंसी हर जगह की आई हुई है, मैं कम्युनिटी पे डालती रहूंगी। फिलहाल ये लखनऊ का है जहाँ की वैकेंसी है, तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो देखो इस तरह से आप इसकी यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ की जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ जो वैकेंसीज आई हुई है सीएसबी वालों के लिए, तो ये 31 मार्च है ना, एडहॉक बेसिस की वैकेंसी है यहाँ पर की, और अलग अलग चीज की वैकेंसी है। और देखिए तो आप यहाँ से जाके देखो AWES ये टीचिंग स्टाफ के लिए ये जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म है, जो इनकी वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लें और इन्हें फिल करके इस तरह से आप इन्हें भेज देंगे। तो अभी जो है कई जगह की आगरा की वैकेंसी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, इसके अलावा असम की वैकेंसी आई हुई है असम में, तो कई सारी है, मैं सारे जितनी होगा मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगी, जिसको आप देख लीजिए और अप्लाई कर दीजिए जहाँ भी आपके नियरेस्ट पे आ रहा है। और मैं तो कोशिश करूँगी आपको डालते रहने का, लेकिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि एकदम से यही मत वेट करें कि मैं बताऊँगी तभी आप करेंगे, आप अपने थ्रू भी करते रहें, कई बार हो सकता है मेरे से भी मिस हो सकती है डालने में, लेकिन आपका जो रीज़न है जहाँ पे आप टीच करना चाहते हैं वहाँ की रीज़न की जब आती है तो आप अपने से वहाँ पे अप्लाई करते रहें। तो आई होप ये सारी जानकारी आपके काम की लगी होगी, और अगर कुछ भी डाउट फिर भी रह गया आपको अभी भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो जल्दी ही आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने ये जो इंटरव्यू है आगे क्वालिफाई कर लेंगे तो आप। हाँ एक और बात है, जो सैलरी कितनी होगी इसकी, सैलरी जो मैं होता है PRT की, TGT की, PGT की, तीनों की अलग अलग होती है, और यहाँ पे 6th पे कमीशन चल रहा है, तो सैलरी जो होती है सैलरी जो होगी वो बाकी KVS और बाकी स्कूल्स जो होते हैं जहाँ 7th पे मिलता है KVS की अपेक्षा कम होगी, KVS NVS से कम रहेगी क्योंकि 6th पे कमीशन है यहाँ पे। बट हाँ ये जो बच्चे पूछ रहे कॉन्ट्रेक्चुअल है परमानेंट है, तो मैं बता दूँ कि जो जॉब है आपका वो परमानेंट ही बेसिस, जो CSB स्कोर कार्ड वाले हैं उनका परमानेंट ही रहता है जॉब, और जो 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है, कहीं भी सुनने को नहीं मिला है कि किसी को इन्होंने निकाला हो, तो ऐसा नहीं होता है कि ये निकालते हैं। तो अब फिर भी जो है कुछ अलग स्पेशल केसेस हो सकती है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना है कि किसी को जॉब से निकाला गया है यहाँ पर। तो आप जो अब आगे समझदार हैं आप, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की जॉब है, बट यहाँ पे 6th पे कमीशन है, ये ध्यान रखें। तो सैलरी जो होती है वो डिपेंड करती है स्कूल की स्ट्रेंथ पे, और सिटी कौन सी है, तो सिटी अलाउंस जो होता है छोटी सिटीज में जो कि होता है अलाउंस यहाँ पर 10% मिलता है, जो बड़ी सिटी है वहाँ 16% होता है। तो इस तरह से जो अलाउंसेस है सिटी अलाउंस है, तो शहर पे के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, और स्कूल की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, स्कूल की स्ट्रेंथ जितनी है सैलरी भी उस हिसाब से रहेगी। तो अप्रॉक्स में मान के चलूँ तो 30,000 25,000 to 30,000 के बीच में सैलरी रहेगी PRT की, एक एवरेज स्कूल की बात कर रही हूँ यहाँ पे। और TGT की जो सैलरी है ना वो 40 से 50 के बीच में हो सकती है यहाँ पर एक एवरेज स्कूल में, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है स्कूल की तो यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकती है और आपकी थोड़ी लेकिन हाँ इतनी रेंज में तो रहेगी ही, और इस हिसाब से आप PGT की भी
डिसाइड कर सकते हैं। पीजीटी की भी जो है 50-60 तक के बीच में रहती है, एवरेज स्कूल्स की बात कर रही हूँ जहाँ पर एक एवरेज स्ट्रेंथ है। तो अपने नियरेस्ट जो स्कूल है उसकी वेबसाइट को प्रॉपर लगातार विजिट करते रहें, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें जिससे अपडेटेड रहें आप हमेशा। कई बार होती है कि वीडियो आ जाती है आपको पता नहीं लग पाता क्योंकि आपने जो है नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होता है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।